Hi everyone, I hope so you guys are very well. This is Pooja. One thing I want to say that कि मेरी वीडियो अगर झारखंड बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स सबके लिए इक्वल है ऐसा माइंड में बच्चों का रहता है कि बिहार बोर्ड कुछ और है, सीबीएसई कुछ और है, झारखंड बोर्ड कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है. इन क्लास 12, अगर आप क्लास 12 में हो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स सबके लिए इक्वल है, द थिंग्स आर सेम. मैं थोड़ा सा हटकर पढ़ा रही हूँ, थोड़ी हटकर नहीं, इट इज़ इन योर सिलेबस, बट कुछ कुछ चीज़ों को मैंने ज़्यादा डिफाइन करी है, जानबूझ के मैंने डिफाइन करा है, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करते हो फ्यूचर में, तो जितना आपके सिलेबस में दिया रहता है उतना नहीं पूछता, उससे अंदर घुस के पूछा जाता है, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ओके? सो वॉच प्रॉपरली एंड प्लीज कमेंट इट, कमेंट करो मेरे को कि आपके स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी पैरलर. या आपके कॉलेजेस में क्या चल रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इन द क्लास 12 ऑफ सीबीएसई, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके? सो प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज टेल मी दैट एंड कमेंट इट, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी पैरलर विथ योर सिलेबस, विथ योर जो भी आपकी क्लासेस में चल रहे हैं. आई डोंट नो कि नेशनल इनकम चल रहा है, कि उसे भी आगे बढ़ गए हो या उसे पीछे हो, आई हैव नो आइडिया. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे द टॉपिक इज इंजेक्शन एंड लीकेज. इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इन टू द फ्लो. इंजेक्शन का मतलब क्या है, आप सर्कुलर फ्लो में क्या इंट्रोडक्शन कर रहे हो, इनकम को आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, इनकम आपके सर्कुलर फ्लो में आ रहा है. हाउ इट इज कमिंग, व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स बोरो द सेविंग्स, ठीक है? व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स बोरो द सेविंग्स दे कंस्टिट्यूट इंजेक्शन. जब हाउस होल्ड एंड फर्म्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं सेविंग्स को, कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, दैट इज कॉल्ड अ इंजेक्शंस. इंजेक्शन इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम. इंजेक्शन क्या है, वो फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाता है. इंजेक्शन कैन टेक द फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, गवर्नमेंट स्पेंड करता है, गवर्नमेंट खर्च करते हैं स्कूल, कॉलेजेस, डैम, ब्रिज, कोई भी कंस्ट्रक्शन चीज़ों में गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एंड दैट इज योर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट आप करते हो, आप फर्म्स जो है वो चीज़ों को बनाती है, बनाकर विदेश में बेचती है, तो जो विदेशी करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है, वो आपके देश में आता है, आपको फ़ायदा होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजेक्शन. नाउ द लीकेज इज़ हियर. लीकेज मीन्स विड्रॉल फ्रॉम द फ्लो. जो सर्कुलर फ्लो है उस फ्लो में से आप क्या कर रहे हो, पैसा का विड्रॉवल कर रहे हो, पैसा को बाहर निकाल दे रहे हो, ठीक है? विड्रॉवल. व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म्स सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम. जब हाउस होल्ड और फर्म्स वो अपने जो भी इनकम उनकी होती है उस इनकम में से कुछ पार्ट को वो सेव कर देते हैं. जैसे मान लो मैंने 50,000 रुपये कमाए, उस 50,000 में से मैंने 30,000 रुपये को मैंने क्या करा, बैंक में सेव कर दिया. तो उस जब सेव मैंने कर दिया, तो उसका तो मैं एक्सपेंडिचर नहीं करूँगी, मैं तो 20,000 का करूँगी. तो वो जो 30,000 है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है? सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम्स इट कंस्टिट्यूट लीकेज. उसको हम क्या कहेंगे, लीकेज कहेंगे. लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम. लीकेज क्या करता है, फ्लो ऑफ इनकम को घटाता है. दे मे बी इन फॉर्म ऑफ सेविंग, चाहे वो सेविंग्स के रूप में हो, टैक्स पेमेंट, जब हम सरकार को टैक्स पेमेंट करते हैं तो भी होती है, एंड इम्पोर्ट. इम्पोर्ट यानी कि हम विदेश से कोई सामान को मंगवाते हैं और हमारा इंडियन करेंसी विदेश में चला जाता है, बाहर चला जाता है, हमारी इकोनॉमी से बाहर चला जाती है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट, ठीक है? नाउ देर आर सर्टन फैक्टर्स. ये जो फैक्टर्स वर्ड यहाँ पे बोले गए हैं, फैक्टर्स मीन्स हियर सेविंग्स, टैक्स पेमेंट्स, इम्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट. दीज आर द फैक्टर. देर आर सर्टन फैक्टर्स विच कैन इंक्रीजेज लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स क्या, यही आपके जो सामने मैं अंडरलाइन जो करें, सेविंग, टैक्स पेमेंट, इम्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट. दीज आर द फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स को ये बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीज करते. देयर कैन सर्टन फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. आप देख सकते हो एग्रीगेट डिमांड को हमने क्या लिखा है, द टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है, आप पढ़िएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही है, नेशनल इनकम के बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे पूरी डेप्थ में कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, ठीक है? जो
total demand hai for final goods and services in an economy at a given time, that is called a aggregate demand. Demand हम लोग अच्छे से जानते हैं, we know very well about the demand at a particular point of time, willingness plus ready to buy. Demand अगर कोई आपसे पूछता है what do you mean by demand, demand का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप अगर purchase करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, सबसे पहला वो particular moment of time होना चाहिए, आपके अंदर willingness होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की, और आप रेडी टू बाई हो. रेडी टू बाई मतलब क्या, आपके पास पैसे हो, कैपेसिटी है आपकी कि वो चीज़ को उसी वक्त आप खरीद रहे हैं, आपकी वो डिमांड है. ठीक है, उसमें एग्रीगेट वर्ड जुड़ गया है, दैट इज़ क्योंकि डिमांड जो आप पढ़े हो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े हो, वहाँ पे आप इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड करके आप स्टडी करते हो. इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, मार्केट डिमांड दैट इज़ अ नंबर ऑफ पर्सन को मिला करके मार्केट डिमांड बोलते हैं, या नंबर ऑफ फर्म्स को मिलाकर मार्केट डिमांड बोलते हैं. ठीक है, उसमें एग्रीगेट वर्ड हो गया यानी कि टोटल पूरे देश का, ठीक है, एस्टिमेशन कर रहे हैं हम लोग. नाउ इसका फॉर्मूला क्या है या इसका फैक्टर्स क्या, एग्रीगेट डिमांड का भी जैसे हमने डिस्कस करा था, एग्रीगेट डिमांड का सी दैट इज़ योर कंजप्शन, I that is your investment, G that is your government spending, X export minus M that is your import. This is the aggregate demand formula. ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, देर आर सर्टन फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. जैसे हमने यहाँ पे आम भाषा में डिस्कस किया है इंजेक्शन और लीकेज का, तो ये इंजेक्शन और लीकेज को हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, एग्रीगेट डिमांड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे आपने सिंपल सा बोल दिया कि इंजेक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इन सर्कुलर फ्लो, और लीकेज का मतलब होता है विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, दैट इज लीकेज एंड इंजेक्शन. बट इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अग्रीगेट डिमांड पे, वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, नाउ आप देख सकते हो, लेट मी सेटल डाउन हियर प्रॉपरली. या इफ वी हैव अ फैक्टर विच शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड, इफ वी हैव अ फैक्टर विच शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड, वी विल कॉल दैट फैक्टर्स एंड इंजेक्शन टू द इकोनॉमी. हमारे पास कोई फैक्टर है, इफ यू हैव अ फैक्टर, हमारे पास क्या फैक्टर है, दैट इज़ योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, हमारे पास ये फैक्टर है, इस फैक्टर के चलते हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है. वो शिफ्ट क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, एग्रीगेट डिमांड जो है मेरा वो इंक्रीज करेगा. एंड दैट फैक्टर्स एंड इंजेक्शन टू द इकोनॉमी, वो फैक्टर्स क्या है, इंजेक्शन टू द इकोनॉमी. इसी के साथ इक्वली देर आर सर्टन फैक्टर्स विच कैन रिड्यूस लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सर्टन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, जैसे आपने सरकार को टैक्स पेमेंट करी, आपने सेविंग्स करा, आपने इम्पोर्ट्स करा, इस फैक्टर्स के चलते क्या हो रहा है, हमारा एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो घट रहा है, एंड देयर फोर रिड्यूस द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम घट जाएगी, एंड दिस आर कॉल्ड अ लीकेज. सो अ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिबीरियम एग्जिस्ट व्हेन दीज आर बैलेंस. कहने का मतलब जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो तभी इक्विलिबीरियम होगी जब ये दोनों बैलेंस्ड होंगे, यानी कि इंजेक्शन इक्वल टू द लीकेज, इंजेक्शन और लीकेज दोनों बराबर हो जाएगा, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिबीरियम. ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे मैंने एक एक करके डिफाइन करा है यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है. मनी स्पेंट ऑन द गवर्नमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड विच इज़ यूज टू फंड द सप्लाई ऑफ मेरिट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसफर पेमेंट. जो सरकार जो है वो पैसा स्पेंड करती है किस पर, वो अपने फंड को यूज़ करती है, स्पेंड करती है टू सप्लाई अ मेरिट गुड्स. मैरिट गुड्स मतलब जो जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके, ठीक है ना, वेलफेयर ऑफ गुड्स बनाने की कोशिश करती है, लोगों को देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है देश में, और ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है. ठीक है, दैट इज़ योर स्कॉलरशिप देती है, पेंशन देती है, ओल्ड जो ओल्ड एज जो पेंशन मिलते हैं लोगों को, ग्रांट्स करती है. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर फैक्टर्स. यहाँ पे देखोगे दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट. स्पेंडिंग बाई फर्म्स और कंज्यूमर्स ऑन कैपिटल गुड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी थिंग्स. जैसे कि क्या हो गया, जो फर्म्स हैं या कंज्यूमर हैं वो कैपिटल गुड्स पर इन्वेस्टमेंट करे. जैसे आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, आपने मशीन कोई मशीन खरीदे, या कोई फर्म्स है वो नया नया टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं. ठीक है, दिस थिंग्स व्हाट्स कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एक्सपोर्ट इज वेरी सिंपल, गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड अब्रॉड टू अदर इकोनॉमिक्स, ये तो बहुत सिंपल है. टैक्सेशन, मनी हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स मस्ट पे टू द गवर्नमेंट. जो मनी होता है वो हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों क्या करती हैं, सरकार को पे करती है. ठीक है,
दैट इज योर हाउस होल्ड अपने इनकम टैक्स पे करेगी और फर्म्स भी अपने इनकम टैक्स पे करेंगे जो भी इनकी इनकम होगी, एज वेल एज एक इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम लोग पे करते हैं, हाउस होल्ड भी पे करती है, ठीक है ना। वो इनडायरेक्ट टैक्स हमें पता नहीं होता है गुड्स में कितना इंक्लूड होता है, अब तो वो GST आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड GST, तो टैक्सेशन हो गया। नाउ द सेविंग्स इज हियर, इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन गुड्स एंड आर केप्ट है, ऐसा पैसा आपकी ऐसी इनकम, हमने 50,000 रुपये कमाए, उस 50,000 में से 30,000 रुपये हमने खर्च नहीं करे, उस 30,000 को हमने बैंक में रख दिया, हमने उसको सेव कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ सेविंग्स। नाउ द इम्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो परचेस करी जाती है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, यानी कि हम इम्पोर्ट्स कराते हैं गुड्स को बाहर की इकोनॉमी से, हमारे देश में वो परचेज होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्पोर्ट्स। नाउ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तभी बैलेंस होगा जब आपका टोटल लीकेज इक्वल टू द टोटल इंजेक्शन, यानी कि जो टैक्सेशन है आपका यहाँ पे, जो आपका टैक्सेशन है, ठीक है, आपका इम्पोर्ट्स है और सेविंग्स, ये तीनों टोटल लीकेज और यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल योर टोटल इंजेक्शन, जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। रिमेंबर वन थिंग, ये दोनों को, इन तीनों को जोड़कर टोटल लीकेज हो गया और इन तीनों को जोड़कर टोटल इंजेक्शन हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो टैक्सेशन हो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो वो हमेशा बराबर हो, ये कभी कभी बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जितना सरकार रेवेन्यू ले रही है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो पूरा, जितना सरकार आपका रेवेन्यू ले रही है, जो सरकार के पास जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसे जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, रेवेन्यू है, तो वो पूरा का पूरा रेवेन्यू थोड़ी खर्च कर देगी, तो फिर बचेगा क्या सरकार के पास, ठीक है। इन फ्यूचर कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए सेफ सरकार को करना होगा ना अपने लिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो हमने टैक्स सरकार को दिया, सरकार ने पूरे के पूरे पैसे उसको खर्च कर दिए, एंड दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो आप इक्वल देख रहे हो, TM+S=G+X+I, इट इज मीन्स टोटल लीकेज इक्वल टोटल इंजेक्शन इज द सिचुएशन, एंड स्टेट मीन्स सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ये द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं भी होंगे, मीन्स टोटल लीकेज इक्वल टोटल इंजेक्शन नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, देन यू विल यूज दिस वर्ड डिस इक्विलिब्रियम, तुम वहाँ पे डिस इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करोगे, ठीक है। हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इकोनॉमिक्स है, हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, कभी इक्विलिब्रियम होगी, कभी डिस इक्विलिब्रियम होगी, बट एक बेहतर इकोनॉमिक्स के लिए कोशिश होनी चाहिए कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। सम मोर थिंग्स आर हियर, कुछ और भी चीज़ें हैं इंजेक्शन और लीकेज से कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर, या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था और शायद CBSE भी आ सकता है क्वेश्चन, कनेक्ट विद द इंजेक्शन एंड लीकेज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सर्कुलर फ्लो में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर फ्लो एक्सपेंड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंप्लाइज अ राइज इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट इन द इकोनॉमी, कब होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंशन, जब लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो अकर्स ओइंग टू इंजेक्शन, हमने पढ़ा है ऑलरेडी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। नाउ द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंप्लाइज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इनकम, जब हमारी इनकम घटेगी और आउटपुट भी घटेगी इकोनॉमी में, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ओइंग टू विदड्रॉवल, दिस इज ST+M। नोट, मैक्रो वेरिएबल्स, ये जो हमारा जो दिया हुआ है, सेविंग है, टैक्सेशन है, दैट इज़ योर इम्पोर्ट्स हो गया, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट्स हो गया, ये हमारा क्या है, मैक्रो वेरिएबल्स है। नाउ इंक्रीज मीन्स राइज इन द लेवल ऑफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल जो दी हुई है, राइज इन द लेवल ऑफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल्स इम्प्लाइज राइज इन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, अगर इस वेरिएबल्स में राइज करती है, इस वेरिएबल में राइज अप करती है, तो लेवल ऑफ डिमांड क्या होगा, वो राइज करेगा, राइज इन द लेवल ऑफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल्स
implies a rise in the level of demand for goods produced in the domestic economy. Domestic goods की economy में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी. और and vice versa, यानी कि just इसका उल्टा, अगर decrease करेगा the level of any of these variable, then implies decrease in the level of demand for goods produced in the domestic economy. ठीक है. So the final conclusion is here, what? At any point in the model, the national output and national income can be measured. हम लोग जो circular flow of income जो पढ़ रहे हैं, उस circular flow of income में किसी भी पॉइंट, किसी भी मॉडल में, चाहे वो आपका टू सेक्टर मॉडल हो गया, थ्री सेक्टर मॉडल हो गया, फोर सेक्टर मॉडल हो गया, इवन फाइव सेक्टर मॉडल, कोई भी सेक्टर ऑफ मॉडल अगर दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल इनकम आप कहीं से भी मेजर आसानी से कर सकते हो और करेक्ट मेजर होगा. ठीक है. सो दैट यू कैन शो द इंजेक्शन एंड लीकेज विद अ डायग्राम ऑल्सो. तुम डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हो उसको. लेट मी शो यू जस्ट सेकेंड योर, या दिस इज योर हेयर डायग्राम. आप एग्जाम में इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हो एंड आई थिंक सो आपको दिखाना भी चाहिए इफ़ यू वांट मोर मार्क्स फ्रॉम द टीचर. एंड अगर चाहिए थ्री में थ्री और फोर में फोर, तो मस्ट यू हैव टू शो डायग्राम ऑल्सो. नाउ वी आर कवरिंग दिस टॉपिक इन, मैं जो ये टॉपिक जो डायग्राम जो दिखा रही हूँ ना, ये डायग्राम आपको टू सेक्टर मॉडल में दिखा रही हूँ, ठीक है, विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, दिस डायग्राम इज योर इंजेक्शन. हम लोग अच्छे से जानते हैं ये आपका हाउस होल्ड हो गया, यहाँ पे आपका फर्म्स हो गया. हाउसहोल्ड क्या होगा, हाउसहोल्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है, क्योंकि हाउसहोल्ड को पहले ही फैक्टर पेमेंट मिल चुकी है. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर फर्म्स जो है हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट करी है, और हाउसहोल्ड यहाँ से क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है. ये हमको डायग्राम क्लियर है. और एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हाउसहोल्ड भी बोरो कर सकता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फर्म्स भी क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है. अब बात आती है जो यहाँ पे 8,000 लिखा है, 2,000 लिखा है, यहाँ पे 10, इसकी स्टोरी क्या है, और यही मेन स्टोरी है इंजेक्शन का. देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है कि हाउस होल्ड जो है अपना फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको, फॉर्म्स को, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है ना, दैट इज़ योर लैंड, लेबर, दैट इज़ योर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. ठीक है, हमने ये फैक्टर सर्विसेज दिया, किसने दिया, हाउस होल्ड ने दिया फर्म को. फर्म क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है, दैट इज़ अ रेंट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट. ओके, तो मान लो फैक्टर पेमेंट जो हाउस होल्ड को मिला है वो कितना मिला है, 10,000 रुपीज़ मिला. ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, What happened that here? यहाँ पे क्या होता है कि जो जो फैक्टर पेमेंट जो 10,000 मिली हाउसहोल्ड को, वो क्या किया यहाँ पर, पूरा का पूरा पैसा को खर्च नहीं करता है, वो 2,000 अपना यहाँ पे सेव कर लेता है. वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, और 8,000 रुपए का क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है. तो जो ये पैसा सेव करता है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन आप नहीं बोल सकते हो. ठीक है, और मैंने वो सेविंग को दिखाया भी नहीं है यहाँ पे. बस यहाँ पे हाउस होल्ड को 10,000 तो मिलता है, लेकिन हाउस होल्ड खर्च कितना कर रहा है, 8,000 खर्च कर रहा है. अब क्या हो रहा है, फर्म तो यहाँ पे 10,000 इसको दिया था, लेकिन मिल कितना रहा है उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, 8,000. तो फर्म क्या करता है, उसको बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करता है, 2,000 को क्या करता है, बोरो कर लेता है. और इट्स कॉमन सेंस फॉर यू कि अगर 2,000 इसने सेव किया होगा तो कहाँ सेव किया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही सेव किया होगा. और ये जो 2,000 रुपया है वो फिर किसके पास आ रहा है, फॉर्म्स के पास आ रहा है. बट अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, बस इतना जानो कि फॉर्म यहाँ पे क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, बोरो कर रहा है. फॉर्म्स क्या कर रहा है, अपनी सेविंग्स को बोरो कर रहा है, और वो 2,000 रुपया क्या हो गया, इट विल कम इन दिस फ्लो. वो 2,000 रुपया क्या हो जाएगा, इस फ्लो में आ जाएगा, इस फ्लो में आ जाएगा. एंड दिस 2,000, ये जो 2,000 रुपया आया इस फ्लो में, दिस अमाउंट इज इंजेक्शन इन इकोनॉमी. जो 2,000 रुपया जो फॉर्म ने जो बोरो करी है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड इंजेक्शन इन इकोनॉमी. ठीक है, नाउ द सेम स्टोरी इज फॉर द लीकेज. लीकेज में वो क्या होता है, हाउस होल्ड है यहाँ पे, फॉर्म्स है यहाँ पे. द सेम स्टोरी इज दैट हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया, और फैक्टर सर्विसेज के बदले में फॉर्म्स ने क्या करी, फैक्टर पेमेंट करी है. ठीक है, अब क्या होता है, जब 10,000 रुपया फैक्टर पेमेंट करी, तो हाउस होल्ड ने क्या कर लिया, इस 10,000 में से 2,000 को क्या कर लिया, एट अ 20% उसने सेव कर दिया, सेव कर दिया, 2,000 रुपये को क्या कर दिया, बैंक में सेव कर दिया. और उस
2000 को सेव कर दिया और मात्र 8000 रुपया वो क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये जो 2000 जो सेव कर लिया इस हाउस होल्ड ने, दिस पोजिशन इज कॉल्ड अ लीकेज। ये क्या कहलाएगा? लीकेज कहलाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो इट इज़ क्लियर टू यू कि लीकेज और इंजेक्शन क्या है, इवन एग्रीगेट क्या है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरे अंदर तक पढ़ा सकूँ और क्लियर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।